वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शशांक याग्निक है। हर रोज़ की तरह ये सेगमेंट आप सबके लिए है, जहां पर मैं आपको क्रिकेट फील्ड की जो भी कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें हुई होती है, जो भी कुछ बड़ी बड़ी न्यूज़ होती हैं, वो सब आपको बताता हूं। आज कुछ बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो है रोहित शर्मा का इंटरव्यू। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रोहित शर्मा ने अपने इस लेटेस्ट इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, क्या इस पूरे इंटरव्यू के हाइलाइट्स रहे हैं। इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं आपको 4 से 5 मिनट के बीच में पूरा इंटरव्यू सम अप कर दूंगा और आपको एक एक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उन्होंने कुछ कही हैं वो सब के बारे में बता दूंगा। तो जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ के साथ में। अब रोहित शर्मा जब से कप्तान बने हैं, टीम में बहुत सारे चेंजेस हुए, कोच चले गए, उसके बाद में रवि शास्त्री के जाने के बाद में राहुल द्रविड़ की एंट्री हुई, तो इसको लेकर के रोहित शर्मा से सवाल किया गया कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें रही, विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी, आपको कप्तानी मिली, रवि शास्त्री गए, राहुल द्रविड़ आए, क्या कुछ पूरा सिनेरियो रहा। तो यहाँ पर रोहित शर्मा ने बताया कि जब राहुल द्रविड़ आए, जब उन्होंने एंट्री ली टीम में, तो फिर उसके बाद रोहित शर्मा के साथ में उनका एक कॉन्वर्जेशन हुआ और ये इंटरनल कॉन्वर्जेशन था और उन्होंने आपस में बैठ करके बातचीत करी। बातचीत जो ये पूरी हुई उसमें क्या कुछ था वो ये कि बॉयज़ को, जो टीम के खिलाड़ी हैं, उन सबको क्या बातें कन्वे करनी हैं और जो जो बातें रोहित शर्मा कन्वे करना चाहते थे, जो जो चीज़ें डिस्कशन दोनों के बीच में हुआ, उसमें राहुल द्रविड़ काफ़ी ज़्यादा सहमत रहे रोहित शर्मा से और उसके चलते जो भी कुछ बातें रोहित शर्मा कहना चाहते थे वो आसानी से टीम मेंबर्स को कन्वे कर पाए और रोहित शर्मा को वहाँ पर राहुल द्रविड़ का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। साथ साथ रोहित शर्मा ने ये भी बताया कि जब कोच और कप्तान एक ही पेज पर रहते हैं, यानी कि दोनों की जब सोच एक जैसी रहती है, तो वो टीम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और वो टीम इंडिया के लिए इस समय अभी दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ ये है इस इंटरव्यू से जो निकल करके आई है। इसके बाद में जो मेजर चीज़ जो कन्वे की गई बॉयज़ को, यानी कि जो टीम को कन्वे की गई, वो ये थी कि जो खेलने का पैटर्न है, तीनों फॉर्मेट में खेलने का जो तरीका है, उस तरीके को बदलना होगा। अब टेस्ट में जिस तरीके से खेला जाता है वो एक अलग तरीका है, टीम इंडिया उसमें खेलती आई है और अच्छा कर भी रही है, लेकिन वनडे और T20 में टीम इंडिया बहुत ज़्यादा चेंजेस के साथ में नहीं खेलती थी, यानी कि ODI क्रिकेट में जिस तरीके से टीम इंडिया खेलती थी, T20 क्रिकेट में भी लगभग अप्रोच टीम की वही रहती थी, लेकिन उस अप्रोच को किस तरीके से बदला जाए और वो अप्रोच बदलनी है, ये कन्वे किया गया रोहित शर्मा की तरफ से। तो एक बात ये थी इम्पॉर्टेंट। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर आने वाली सीरीज़ जो है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ है, एशिया कप है उससे पहले और फिर T20 वर्ल्ड कप है, तो इसमें रोहित शर्मा का क्या प्लान है। जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने क्लियरली बताया कि इस बारे में हमने जो ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं की है, एकमात्र हमारा टारगेट रहता है और वो टारगेट ये रहता है कि हर दिन हम लोग एक बेहतर क्रिकेटर बन करके निकलें और हर दिन कुछ ना कुछ सीख करके कुछ बेहतर करते चलें, चाहे हम जीतें या हारें वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो हम टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए जो प्रोसेस है वो एकदम सही होना चाहिए और उसके हिसाब से ही हमको आगे चलना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट इनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट वाला ये था। इसके बाद में जो अभी आप लोग भी देख रहे होंगे, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा रेस्ट दिया जा रहा है, इंजरीज हो रही हैं प्लेयर्स को, इसके ऊपर रोहित शर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि इतना सारा क्रिकेट होता है, साथ साथ इंजरी भी होती है और क्योंकि इतनी ज़्यादा मात्रा में क्रिकेट लगातार हो रहा है, लगातार मैचेस खेल रहे हैं, IPL है, फिर बायलेटरल सीरीजेस हैं, तो ऐसे में क्रिकेटर्स को रेस्ट दिया जाना चाहिए, साथ साथ वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए बाकी प्लेयर्स को भी मौका मिल रहा है और ये एक बात अच्छी भी है क्योंकि इससे हमारे देश की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होगी और आने वाले समय में एक अच्छी टीम, एक मजबूत टीम और ज़्यादा मजबूत टीम इंडिया बन पाएगी। बेंच स्ट्रेंथ को यहाँ पर फोकस रखते हुए रोहित शर्मा ने जवाब दिया है। इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। तो फिर रोहित शर्मा ने वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर भी बात कही है और उन्होंने बताया कि इंजरीज होती रहती हैं और ये प्लेयर्स की लाइफ का पार्ट ही रहता है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं और इसको देखते हुए जो यंग प्लेयर्स के लिए भी की अच्छी चीज़ है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए पूरी तरह से अब तैयार हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए और उनको मौका मिल रहा है और वो उस मौके को अच्छी तरह से भुना भी रहे हैं, फिर वो चाहे दीपक हुडा ही हों, हर्षल पटेल हों या जिस भी तरह से युवा गेंदबाज आ रहे हों, अर्शदीप हो गए, रवि बिश्नोई हो गए। तो इस तरीके से इस पूरे इंटरव्यू का ये चंक था। तो T20 वर्ल्ड कप में एलिमिनेट टीम इंडिया हुई, उसके बाद से लेकर के अब तक रोहित शर्मा की कप्तानी का कार्यकाल कैसा रहा है, क्या कुछ उन्होंने अपनी कप्तानी में किया है, इसके ऊपर बातचीत उनसे की गई और कुछ मेजर पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको प्लीज़ जल्दी से एक छोटा सा लाइक का बटन नीचे होगा, आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करके आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। अब मुलाकात होगी आपसे कल कुछ और बड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए
गुड बाय और गुड डे।